जब हम बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं तो जनरली हम क्या देखते हैं? लुक्स, कंफर्ट और क्वालिटी। मेरा बेबी अभी 2.5 साल का हुआ है और मैंने उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है फर्स्ट क्राई से। अभी फर्स्ट क्राई पे मॉनसून सेल चल रही है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से ब्रांड की शॉपिंग करी है, कौन से ब्रांड्स अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये टिप्स भी दूंगी कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो स्पेशली बच्चों के लिए तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। जनरली मैं 3 ब्रांड प्रेफर करती हूँ। फर्स्ट इज कुकुम्बर, सेकेंड इज ऑलीपॉप एंड थर्ड वन इज बेबी हक। फ्रेंड्स, दिस इज नीलम थाड़ा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए मैं फटाफट से आपको बताती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी है। लेकिन आपको बता दूँ, यहाँ पे पुणे में थोड़ा सा वेदर ठंडा रहता है, इस अकॉर्डिंग मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े खरीदे हैं। रेनी सीजन और विंटर, मतलब 7 to 8 मंथ्स यहाँ पे फुल स्लीव्स के कपड़े चाहिए बच्चों के लिए, तो मैंने सारे फुल स्लीव्स के टी शर्ट्स और स्वेट शर्ट, वुलन, वही सब खरीदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे प्यारे से कलर के साथ। ऑलीपॉप ब्रांड का ये टी शर्ट है, इस पे लिखा है रूल ब्रेकर, आप देख सकते हो। और कपड़े की मैं बात करूँ तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, कॉटन और होजरी मिक्स है, तो बहुत सॉफ्ट रहता है बच्चों की जनरली आपको सॉफ्ट से ही कपड़े लेने चाहिए। टी शर्ट्स पे इस तरह का सब ब्लू कलर का बॉर्डर है स्लीव्स पे और नेक पे। और इसकी प्राइस थी 315 रुपीज, लेकिन ये कुछ ऑफ में था, 42% ऑफ था ऑलीपॉप पे। ये मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है ऑलीपॉप। मैं जनरली मेरे बेबी के लिए ऑलीपॉप ब्रांड्स के ही कपड़े लेती हूँ, रीजनेबल भी होता है और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट मैंने लिया है पजामा और टी शर्ट का सेट लिया है इस तरीके से, इस पे लिखा है लेजी डेज, और ये भी बहुत ही प्यारा, बहुत सॉफ्ट है इसकी, ये भी फुल स्लीव्स का है, मैंने सारे फुल स्लीव्स के ही लिए हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम ऑलीपॉप और इसके साथ ये इसकी पजामी सी आती है, अब देखो फुल है। जनरली यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर है जो ब्लैकिश नजर आ रहा है, और इसके साथ ही इसकी कॉन्ट्रास्ट की ये पजामी है स्ट्रिप्स के साथ। और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मोटा है, लेकिन थोड़ा विंटर्स में यार चाहिए बच्चों के लिए, थोड़ा सा मोटा ही चाहिए होता है। प्लास्टिक है, बहुत अच्छा सा, बहुत कंफर्ट देता है। और इसकी प्राइस थी, ये दोनों सेट में था और इसकी प्राइस थी 499 रुपीज़। इस पे भी ऑफ था, ऑलीपॉप पे 42% ऑफ था, बाकी जो अदर ब्रांड्स है उन पे 50% ऑफ था। तो नेक्स्ट वन इज नॉर्मल एक पजामी है ब्लैक कलर की, देखो कितनी प्रीटी है ना ये, और ये प्योर कॉटन है। वो जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया था वो थोड़ा सा हॉजरी मिक्स था, तो थोड़ा सा वो थिक लग रहा था क्लोथ, लेकिन ये प्योर कॉटन है और ये इलास्टिक बहुत अच्छा है इसका भी। और इसके कलर्स इतने प्यारे से कलर्स इस पे दिए हुए हैं कि इसके साथ हम कोई भी टी शर्ट बच्चे को पहनाएंगे तो वो अच्छे से जम जाएगी। ये है फ्रॉम, अगेन दिस इज फ्रॉम ऑलीपॉप और इसकी प्राइस है 225 रुपीज़। ये सिंगल पीस है 225 रुपीज़ का और इस पे भी ऑफ था, तो जो फाइनल प्राइस मेरी थी स्क्रीन पे मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगी कि ऑफ करके और वो कितने में इसकी प्राइस पड़ी थी। तो दिस इज फ्रॉम ऑलीपॉप। देन नेक्स्ट इज एक नाइट सूट खरीदा है मैंने, बहुत ही प्यारा सा नाइट सूट है, सी ये भी फुल स्लीव्स का है और ये इसका पजामी, देखो इस पे प्रिंट्स बने हुए हैं, फिश, पिज्जा, बर्गर, बहुत सारे प्रिंट्स बने हुए हैं। और इसका मटेरियल कॉटन नहीं है, थोड़ा सा पॉलिस्टर ज्यादा है, कॉटन कम है। और ये ब्रांड है कुकुम्बर ब्रांड का, कुकुम्बर भी अच्छा है, कुकुम्बर क्लब बहुत अच्छा ब्रांड होता है, लेकिन ये मतलब जो एज कम्पेयर टू ऑलीपॉप थोड़ा सा पॉलिस्टर ज्यादा मिक्स करते हैं ये लोग, लेकिन ठीक है, अगर क्योंकि नाइट सूट बच्चों का बहुत रफ टफ चाहिए होता है तो इस तरीके से वॉश करने में बहुत इजी रहेगा। और पजामे में भी इसके इलास्टिक दिया हुआ है और बटन दिए हुए हैं आगे, तो पहनाना और खुलना बहुत इजी रहता है बच्चों के साथ। तो इसकी प्राइस थी 500 रुपीज़, इस पर 50% ऑफ था, तो ये मुझे 250 रुपीज़ का नाइट सूट पड़ा है, ब्रांडेड नाइट सूट, वो भी 250 रुपीज़ का। गाइज, यू कैन इमेजिन कितना अच्छी सेल चल रही है अभी। सो नेक्स्ट वन इज अगेन ये पजामी और टी शर्ट का एक सेट है, सी ये भी ब्लू कलर है। यार बॉयज में कलर ही नहीं आते हैं, ब्लू, रेड, येलो, ये 2-3 कलर ही आते हैं, कोई चॉइस ही नहीं होती हम लोगों के पास, क्या करें।
इसके साथ ये लिखा हुआ है ओनली शूट, और ये कैमरा टाइप बना हुआ है इस पे ओनली शूट फोटोज, और इस पे ये एक बारीक बारीक से प्रिंट्स दिए हुए हैं चारों तरफ इसके, और ये पजामी है इस पे भी कैमराज बना हुआ है। इलास्टिक बहुत अच्छा है इसका भी, और फुल स्लीव्स का ये टी शर्ट है, और ये है बेबी हग ब्रांड का है ये, और इसकी प्राइस थी 599 रुपीज फॉर बोथ, और ये भी 50% ऑफ पे था तो ये 300 समथिंग का कुछ पड़ा है। देखो ये पहनने के बाद कितना ज़्यादा कूल लगेगा। नाइस। नेक्स्ट वन इज एक पजामी सेट है नॉर्मल, जिसको हम नाइट सूट भी पहना सकते हैं। ये मेरे बच्चे ने ट्राई करके देखा तो उल्टा ही समेट के रख दिया। ये रेड कलर का इसका पजामा है, सिंपल सी पजामी है, और ये टी शर्ट है। ये भी एक नाइट सूट खरीदा है, दो तीन नाइट सूट चाहिए होते हैं, रेनी सीजन में कपड़े भी नहीं सूखते हैं तो आपको बच्चों के लिए बैकअप रखना पड़ता है। और ये छोटी सी पॉकेट है और बहुत सारे स्टार्स बने हुए हैं, तो आप इसको साथ में देखो कंट्रास्ट के साथ, ये कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर कंट्रास्ट इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। और राउंड नेक में है, स्लीव्स में भी इस तरह का कंट्रास्ट कलर दिया हुआ है। पजामी में ऐसा कोई कंट्रास्ट नहीं है, नॉर्मल सी पजामी है, आप दूसरे टी शर्ट्स के साथ भी इसको पहना सकते हो। ये था फ्रॉम बेबी हग, और इसकी प्राइस भी थी 499 रुपीज, और क्लोथ इसका बहुत अच्छा है, होजरी प्लस कॉटन मिक्स है, तो जो पहले वाला नाइट सूट था उसमें पॉलिस्टर ज़्यादा था और ये एकदम कॉटन मिक्स है, तो ये थोड़ा सा थिक क्लॉथ है और मतलब थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी देता है। सिर्फ एक पजामी है, ये इस तरीके से इसके साथ नीचे इलास्टिक दिया हुआ है, और ये है लाइट ब्लू कलर की, मतलब लाइट ब्लू स्काई ब्लू बोलेंगे इसको, स्काई ब्लू कलर है, शिप्स वगैरह बनी हुई है इस पर छोटी छोटी सी। एक्चुअली ये कलर मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था, लेकिन जब मंगाया तो थोड़ा सा लाइटिश कलर आया है इसका, बट कपड़ा भी इसका थोड़ा सा पतला है, देखिए आप, इतना ज़्यादा थिक नहीं है, तो शायद मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ, ये मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगी, और कपड़ा भी इसका थोड़ा सा पतला है। और ये भी ये ओलीपॉप ब्रांड का है, लेकिन कॉटन ज़्यादा मिक्स है इसमें, तो कॉटन थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन पजामी में यार हमको थोड़ा सा थिक चाहिए होता है, तो ये शायद मैं रिटर्न करूँगी। और नेक्स्ट इज अगेन घर में पहनाने की ड्रेस है, दिस इज फ्रॉम बेबी हग, एंड ये इसका टी शर्ट है और ये इसकी पजामी है, अगेन ब्लू कलर, मतलब टी शर्ट में या पजामी में ब्लू कलर तो आना ही है, कुछ नहीं कर सकते हम, तो ये इसकी पजामी है। ये थोड़ा सा शिवांग के लिए बड़ा साइज आ गया है, लेकिन ठीक है, विंटर्स तक या नेक्स्ट रेनी सीजन तक काम आ जाएगा, कौन वापस से रिटर्न करेगा यार। तो ये इस तरीके से इसके साथ भी एक पॉकेट है, ऊपर टू बटन्स लगे हुए हैं, और स्लीव्स भी इसकी ऐसी है, नॉर्मल सी स्लीव्स है, स्लीव्स के साथ कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया है, और ये सेल्फ प्रिंट है इसके अंदर, कलर अच्छा है, डिफरेंट कलर है थोड़ा सा। नेक्स्ट है स्वेट शर्ट, दो स्वेट शर्ट भी खरीदे हैं मैंने, फर्स्ट है ब्लू कलर का ये स्वेट शर्ट है, इस पे इस तरीके से 72 लिखा हुआ है एक कॉर्नर पे, एक स्लीव्स इसकी इस तरीके से प्रिंट में दी हुई है, और एक सिंपल सी है, राउंड नेक का है ये, बाकी कुछ भी कलर नहीं है, सिर्फ वाइट ब्लू और ये जो स्लीव्स में दिया हुआ है थोड़ा बहुत वही कलर है, और यहाँ पे एक टू बटन्स भी है, तो बच्चों के साथ पहनाना और खोलना उसको इजी रहता है थोड़ा, और ये एक राउंड सा एक स्टिकर सा लगा हुआ है। ये है ओलीपॉप ब्रांड का, और ये भी 599 रुपीज का है, 600 का है, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, आप देखो, आपको शायद नहीं शो होगा, लेकिन बहुत सॉफ्ट है, और स्वेटशर्ट है तो थोड़ा थिक भी है, वो थिक चाहिए हमको, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला स्वेटशर्ट, बहुत ही प्यारा लुकिंग है इसका। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम लॉलीपॉप, एंड इस तरीके से इसका ये लाइट ब्लू कलर का है, फ्रंट पे इसके SKI चैंपियन लिखा हुआ है, सिंपल सा है ये, आप नॉर्मली जनरली आप मार्केट वगैरह जाते हो तो पहना सकते हो, स्वेटशर्ट है तो मोटा भी है और बहुत वॉर्म भी है, अच्छा लगा मुझे, दोनों स्वेटशर्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, कलर सेम से है, ब्लू है, लेकिन ब्लू में भी डिफरेंस आप देख सकते हो, लाइट और डार्क ब्लू कलर है, और इस पे जो प्रिंट बना हुआ है उससे इसका गेटअप बहुत ही प्यारा आ रहा है, तो उसे देखिए आप, बहुत अच्छा लग रहा है। सॉक्स खरीदे हैं मैंने,
सॉक्स यार, इसके क्यूट वॉक के जो फुटवियर्स और सॉक्स होती है बच्चों की, बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से मैंने इसके 3 सॉक्स खरीदे हैं, प्यारे प्यारे से कलर, और बहुत अच्छा स्ट्रेच है, कॉटन भी है और बहुत कंफर्ट रहता है ये बच्चों के लिए। और इसकी प्राइस थी, तीनों सॉक्स की प्राइस आई थिंक 249 पे ऑफ था 50%, तो आप देख सकते हो मीन्स 120 या 130 रुपीज में आपको अगर ब्रांडेड सॉक्स मिलते हैं 3, तो कितना अच्छा है यार। और भी मैंने टूथब्रश लिया है और 2-3 चीज टूथपेस्ट वगैरह लिया है, वो यूज़ कर लिया है शिवांग ने, तो मैं भी आपको नहीं दिखा सकती। तो इतनी सारी शॉपिंग करी है मैंने अपने बेबी के लिए। नॉर्मली सब घर के ही पहनाने वाले कपड़े हैं, विंटर वियर है, विंटर्स आ रही है, तो आप लोग भी एक बार फर्स्ट क्राई पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं उनके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिए। और अब मैं आपको बताने वाली थी कि टिप्स, क्या टिप्स आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करो अपने बच्चे के लिए तो क्या ध्यान में रखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि जो आप बच्चे के लिए ले रहे हो, जैसे शिवांग 2.5 साल का हुआ है और मैंने 3-4 ईयर्स के जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो वाले परचेज किए हैं, तो आप एक साइज बड़ा ही लो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लूज भी चाहिए, कपड़ा भी श्रिंक होता है जब हम उसको धोते हैं, तो एक साइज आप थोड़ा सा बड़ा लो। सेकेंड आप उसमें ये देखो कि पॉलिस्टर कितना ज़्यादा मिक्स किया हुआ है, कॉटन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, पॉलिस्टर कम होना चाहिए, मिनिमम 80% कॉटन होना चाहिए उस फैब्रिक में और 20% पॉलिस्टर होना चाहिए, तो वो बच्चों के लिए स्ट्रेच भी अच्छा देता है, कॉटन रहता है तो उसमें बहुत कंफर्ट फील करता है अपना बेबी। नेक्स्ट वन इज आप रिव्यूज़ पे ध्यान दो, जब आप किसी चीज़ की शॉपिंग करते हो तो आप उसके रिव्यूज़ देखो। बच्चों में तो आपको, बच्चों के क्लोथिंग में तो आपको रिव्यूज़ देखने ही चाहिए, तो अगर किसी के रिव्यू मतलब 4-5 के भी रिव्यूज अगर नेगेटिव है तो आप वो प्रोडक्ट ना खरीदो, क्योंकि बच्चा अगर 1-2% भी अगर वो कंफर्ट जोन में नहीं रहता है ना, तो वो उस कपड़े को वापस से पहनता ही नहीं है, तो आप रिव्यूज पे भी ध्यान दो। और नेक्स्ट वन इज जो मैं करती हूँ, बाकी सब लोग पता नहीं ध्यान रखते हैं या नहीं रखते, मैं अपने बेबी का ज़्यादा कॉस्टली नहीं कुछ भी खरीदती हूँ, क्योंकि उसका 5-6 मंथ में छोटा हो जाना है वो, तो मैं ज़्यादा जो प्राइजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा 1,000-2,000 रुपीज़ के जो क्लोथ्स होते हैं वो नहीं परचेज करती हूँ मैं, नॉर्मली 700-800-1,000 के अंदर वाली शॉपिंग करती हूँ। तो ये थे मेरे टिप्स। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फर्स्ट क्राई हॉल, आई होप मेरी चॉइस आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।